open session where all the are there new opportunities, and if yes, what are they, and how the vendors can enroll themselves for searching out that opportunities? बचा कौन सा बीज सकता है जो हम अभी भी बाहर से ले रहे हैं? वो नॉर्मली हम प्रोपराइटरी आइटम है जिनका डिजाइन उनका है, जिनको नोहाउ उनका है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी उनका है। फॉर एग्जाम्पल कमिंस का एटीएस हम कमिंस पूना से लेते हैं, हमारा कोशिश चल रहा है वो भी इधर जमशेदपुर में लेके आए, तो कुछ पार्ट हम इधर जमशेदपुर में बना पाएंगे, हमारा कोशिश चल रहा है वो भी करेंगे। ऐसा ही कुछ स्केलिंग गियर बॉक्सेस है या ऐसे सब प्रोप्राइटरी आइटम्स है, टर्बो चार्जर है, कुछ पार्ट्स हम इंपोर्ट भी करते हैं, अदरवाइज दैट इज वन। तो ये अभी मैं कुछ सो मैं कमिंग बैक टू क्वेश्चन व्हाट ही आस्क्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो फर्स्ट ग्रोथ इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, बराबर है। तो अभी मैं इधर सेकेंड ईयर है मेरा इधर, और सेकेंड ईयर में सेकेंड वेव ऑफ फेस्टिवल से जमशेदपुर में, तो साल में कितने फेस्टिवल होते हैं वो मेरे को जमशेदपुर में आके पता चला, कुछ शेयर करना चाहेगा। तो सबसे पहला एक पॉइंट बोला कि लोकलाइजेशन, वन वी शुड टेक पार्ट फ्रॉम लोकल इंडस्ट्रीज। आपका क्या अंदाज है, एनीबडी कैन गेस व्हाट इज अवर लोकल कंटेंट इन एनी प्रोडक्ट? Any guess? कितना हमारा लोकल रहेगा परसेंटेज ऑफ वैल्यू? सर लोकल में अभी भी वो कितना परसेंटेज लगता है आपको अभी रहेगा एंड कितना परसेंटेज होना चाहिए? 75% तो कम से कम लोकल सप्लायर को चांस मिलनी चाहिए एंड द रेस्ट 25%। थैंक यू फॉर गिविंग दिस फिगर, वी आर मोर देन दैट, ठीक है ना। एंड इसलिए बोला, बहुत बार क्या होता है हमको लगता है लेकिन डेटा नहीं है अपने पास या पता नहीं है, करके जो इन्होंने वो बताया कि हम कोविड के बाद इतना इंटरेक्शन कम हुआ है कोविड के बाद, वी विल सी हाउ टू इंप्रूव दैट एवरेज, बट मेनी प्रोडक्ट्स सर्टन प्रोडक्ट्स वी आर मोर देन 80% लोकल कंटेंट है। क्यों लोकल होना चाहिए? इट इज नॉट ओनली फॉर गेटिंग बिजनेस फॉर ऑल ऑफ अस इन जमशेदपुर, इट इज मेनी थिंग्स जो मैं शुरुआत में आपको बोला व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। द फर्स्ट इज क्वालिटी, आप जो बनाते हैं हमको हम आके देख सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोकल नहीं बनाएंगे और किधर से लेके आएंगे, नहीं, नहीं हो सकता। दूसरा चीज मैं आपको बोला सस्टेनेबिलिटी, जो ट्रक से माल आएगा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एनी मेथड, सो इट इज कॉस्ट टू अस, कॉस्ट टू यू, बराबर। सेकेंड इज फ्यूअल कंजम्पशन, देयर आर मेनी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज, एंड सो हमारा फोकस हमेशा रहा है। एंड लास्ट दो तीन साल में हमने जो लोकलाइजेशन इनिशिएटिव लिया है, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, में बड़े बड़े एग्रीगेट पार्ट्स का एग्जांपल देगा, डिफेंस प्रोडक्ट जो तपन जी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, आप में से बहुत लोग हमारे डिफेंस प्रोडक्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। डिफेंस प्रोडक्ट इज वन प्रोडक्ट लाइन जो हमने जमशेदपुर में चालू किया, आप दो तीन साल पहले देखेंगे डिफेंस प्रोजेक्ट तो हम हार्डली 100-150 गाड़ी बना लेते हैं। आज देखिए जो वोकल फॉर लोकल, वॉट एवर वी हर्ड, वॉट एवर अवर गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, सो वी आर मेकिंग मोर एंड मोर डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड 100% डिफेंस प्रोडक्ट ऑफ टाटा मोटर्स वी आर बिल्डिंग इन जमशेदपुर। बट टू आवर सरप्राइज व्हेन वी आर ऑन 5 years रोड मैप टू माइग्रेट टू 100% renewable energy, it is saving the cost and it is giving us the return in 5 years. पहले आपको लगा था ये invest करना है मतलब it is capex, but whatever business model we have worked out, it is giving us return. Water में आपको बोला 30-35% हमने reduction किया, उसके लिए कुछ खर्चा किया, but 35% water reduction, you know the rate of water consumption, it is giving us reduction. So I am saying we can work together, we can share the ideas what we are doing to ensure to add value and to reduce the cost, and together we can share that, not a problem. इसलिए बोल रहा है कि मुझे लग रहा है जो कुछ आप में से किसी ने बोला थोड़ा इंटरेक्शन कम हुआ हम बढ़ाएंगे, तो ये क्लैरिटी देगा एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा विश्वास रहेगा ना, तो साथ में और ज्यादा अच्छा। Sir, I would request you, just same as Tata Steel, we have a quarterly meeting with them.
with chamber they have a quarterly meeting. We mail to our members for their grievances or for their questions and queries. We gather and chalk them down, and then we go and discuss it quarterly with the procurement team. And annually there is an open session also, which happened last year with Tata Steel procurement team. If the same can be done with Tata Motors, that will give a great help to all the members who can't reach or are not able to express their grievances or questions or queries. If they will give it to us, and you arrange such an arrangement where we can have a quarterly meeting with your procurement team in behalf of all our members or all your SLMs. Sir, you have talked about different parameters. I would like to discuss on two of them: sustainability and safety. These are very close to Tata Group of companies, and we hear these words regularly in all the forums. We as a small traders, distributors, industrialists, we don't give so much focus on this. These are very important bit to agree. Actually, these are related with behavioral change. I would request you to plan something for trainings on this, regular interaction with us, so that we can also implement this at our end. श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव सिंबुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ आज बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ, और इसमें जो मीटिंग का सबसे अधिक फोकस था कि यहाँ के कोल्हान के जो इंडस्ट्री है उनको कैसे करके ग्रोथ किया जाए, उनको कैसे करके टाटा मोटर में और सप्लाई और बिजनेस का ऑफर दिया जाए, इसी विषय में प्लांट हेड रविंदर एन कुलकर्णी जी के साथ यहाँ के इंडस्ट्री वाले ने 1-to-1 हुआ। तो हम बात करते हैं कि सर सबसे मेन पॉइंट क्या था। उन्होंने बहुत अच्छा बात किया कि मैंने तो ऑलरेडी 80% शेयर दिया हुआ है लोकल जो कंपनी चलाने के लिए कॉस्ट कंट्रोल, फिर भी आप लोग रिक्वायरमेंट क्या था। ये चीज़ ना एक नेशन बिल्डर के तरीका से सोचना होगा सर। आज एक जापानीज कंपनी कहीं अपनी प्लांट लगाती है ना, तो वो पैकिंग वाला कार्टन भी जापान से मंगवाती है, चाहे प्लांट कहीं भी हो। अगर वो एक नट बोल्ट भी खरीदता है तो कोरियन कंपनीज, सैमसंग, वाई इट्स अ सक्सेस स्टोरी। कोरिया छोटी सी कंट्री है, लेकिन उनका जो एक फीलिंग अपने कंट्री के लिए है, वैसे ही हम जानते हैं कि टाटा ग्रुप का फीलिंग सेम है। आज इंडिया के मानचित्र में टाटा इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड। उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि ये जो बचा हुआ 25%, हाँ हम बिजनेसमैन लालची हैं, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा 25% जो छूटा हुआ है वो भी हम इनके गाइडेंस में यहीं डेवलप करें। और जैसा उन्होंने कहा कि इनके लिए भी ये विन सिचुएशन है, हमारे लिए भी ये विन सिचुएशन। सो मियाँ बीवी राजी, तब तो ये काम होना ही है। सो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पिछले 70-80 साल में इन्होंने इतना अच्छा वेंडर बेस यहाँ डेवलप किया है, तो बाकी आइटम्स के लिए भी यहाँ मौका दिया जाए। सर बहुत ही अच्छा आपने बोला कि मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या चीज़ का काजी। लेकिन अगर आप ग्लोबल सिनेरियो से देखिएगा, जापानीज प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उस हिसाब से आदितपुर इंडस्ट्रियल या कोल्हान इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइज नहीं है सर, उसके लिए आप क्यों नहीं तैयार हो सर? आईफोन अब इंडिया में बन रहा है। आईफोन अलग है सर, ऑटो सिलेरी आदितपुर, आदितपुर और जमशेदपुर ने अपने आप को जब प्रूव किया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं थी, तो एक गैप हो गया है जिसे अगर बड़ी कंपनियां हमें सपोर्ट करेगी तो दैट गैप कैन बी फिल्ड, और हम फिर भारत के मानचित्र में सबसे सुंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बन के। सर डिफेंस का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, H2O का ये हो रहा है, EV का भी हम देखें रोड में टेस्टिंग हो रहा है, तो सर ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और जितने भी यूरोपियन कंट्री ऑटोमोबाइल सब अपने डीजल इंजन बंद करके EV में आ रही है, तो आप जो आने वाले 20-30 साल EV है, H2O है, और जो इसके लिए आप तैयार हैं? अरे ये अब इसके लिए तैयार है वो यानी से उसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं रह गया, अब तैयार होना ही होगा, ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल छोड़ना ही है। सस्टेनेबिलिटी अभी बात कर रहे हैं, 4-5 साल बाद ना ये विंटर खत्म हो जाएगा, या तो यहाँ बर्फ गिरना चालू हो जाएगा और गर्मी में त्वचा जलने लगेगी। पिछले 100 साल में जो टेम्परेचर बढ़ा है, अगले 20 साल में उतना बढ़ने वाला है, तो इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ नो मोर अ फ्यूचर। आपको ये सब करना ही होगा हर एक जन को। बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं रह गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहा है, और हमारे भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो जितने भी इंडस्ट्री है उनका भी माल टाटा मोटर के साथ साथ जापान में भी होगा, USA में होगा, UK में भी होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो EV और H2O के लिए भी सप्लाई उन्होंने तैयार किया। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार जोहार।